आज मैं बात कर रहा हूँ कलर ओएस हाइड्रोजन ओएस के बारे में, जो कि मैंने OnePlus 70 स्मार्टफोन पर अपने इंस्टॉल किया हुआ है। इसमें आप लोगों को क्या कुछ चीजें देखने को मिल जाती है, कैसे इसका सेटअप होता है, क्या कुछ इसमें आपको एक्स्ट्रा फीचर देखने को मिलते हैं ऑक्सीजन ओएस के कंपेरिजन में, सारी जानकारी अपनी इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कलर ओएस का वेलकम कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। गेट स्टार अगर आप कर देते हैं तो इस तरीके से ये आ जाता है। इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं इसके बारे में मैं आपको यहाँ पर जानकारी देने वाला हूँ। तो ये कुछ स्टेप्स हैं आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहले फाइल्स को डाउनलोड कर लेना है, उसके बाद कुछ इस तरीके से फाइल मैनेजर के अंदर इस फाइल को आपको चेकआउट करते हुए इसे इंटरनल स्टोरेज में डाल देना है, और इसके बाद सेटिंग में जाना है। सिस्टम पर टैप करते हुए सिस्टम अपडेट के द्वारा सेटिंग के गियर आइकन पर टैप करते हुए कुछ इस तरीके से इस फाइल को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आपका कोई भी डेटा इरेज नहीं होगा, तो इस तरीके से आप इसका इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। तो फाइनली सेटअप हो चुका है। अब आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी सारे एप्लीकेशंस कुछ अलग देखने को मिल जाते हैं, जो कि ऑक्सीजन ओएस पर नहीं मिलते हैं। इसके अंदर बहुत सारे एप्लीकेशन ओप्पो के जैसे आपको देखने को मिल रहे हैं, तो ये यहाँ पर कलर ओएस कुछ इसी तरीके से देखने को मिलता है। इसमें ओ फैमिली नाम का एप्लीकेशन, फोन मैनेजर, ये कुछ सिक्योरिटी के पर्पज से वन प्लस चाइनीज कम्युनिटी, जहाँ साथ में यहाँ पर ग्रीनो ब्राउजर भी यहाँ पर वन प्लस का जो कलर ओएस वाला है वो देखने को मिलता है। ये भी काफ़ी बड़ी बात है, परंतु यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी में काफ़ी कुछ डिफरेंस देखने को मिल रहा है। मैं यहाँ पर इसको देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हूँ, क्योंकि ये यहाँ पर यूआई जो है काफ़ी ज़्यादा मर्जब की गई है। इन्होंने कहीं ब्लू कलर डाला है, कहीं ग्रीन कलर, इसके कारण से मैं यहाँ पर समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि मैं ऑक्सीजन ओएस को यूज़ कर रहा हूँ या फिर कलर ओएस को। जैसे कि आप लोगों को बताया गया था कि जो ऑक्सीजन ओएस और कलर ओएस मिलकर के एक यूनिफाइड ओएस बनाएंगे, वो कुछ इसी तरीके का यूनिफाइड ओएस आपको देखने को मिल रहा है। मैं यहाँ पर ये सारी चीज़ें दिखाने के साथ में आपको कुछ खास चीज़ें भी इसकी दिखाना चाहूँगा। अगर आप कैमरा एप्लीकेशन को देखें, खासतौर से कैमरा एप्लीकेशन में आप समझते हैं, तो ये आपको ऑक्सीजन ओएस 11 जैसा देखने को मिल रहा है। इसमें ये क्या है कि ऑक्सीजन ओएस 12 भी है, 11 भी है, कलर ओएस भी है, सब कुछ मिक्सअप है। अगर आप कलर ओएस को यूज करते हैं तो, क्योंकि मैंने इसको अपडेट किया, इसको फिलहाल में मैंने क्लीन नहीं किया है, इस कारण से ये तीनों का मिक्स ऑलरेडी सेटल हो चुका है। साथ में म्यूजिक एप्लीकेशन जो है चाइनीज का कुछ इस तरीके से रेड कलर से देखने को मिल रहा है। फिलहाल में आप देख सकते हैं इसमें कुछ इस तरीके से ये किया जा रहा है। फ्लेक्सिबल विंडो, आप फ्लेक्सिबल विंडो इसमें यूज कर सकते हैं, एक फ्रीफॉर्म विंडो है। साथ में वन हैंडेड मोड का आप यूज कर सकते हैं। वन हैंडेड मोड केवल गेस्चर पर ही काम करता है। मोबाइल नेटवर्क के अंदर कुछ इस तरीके से सेटिंग्स देखने को मिल जाती हैं OnePlus 70 स्मार्टफोन के यूजर्स के लिए। इसके अंदर आपको ये सारी सेटिंग्स देखने को मिल जाती हैं। कॉल रिकॉर्डिंग आप यूज करना चाहें तो यहीं से यूज कर सकते हैं। इसमें कुछ इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल देखने को मिल रहे हैं, परंतु मैंने देखा है जो ऑक्सीजन ओएस पर दिए गए फीचर्स हैं वहाँ पर ऑप्शंस काफ़ी सारे कम हैं। जैसा कि आप इनका जो कॉन्टैक्ट एप्लीकेशन है वो देख रहे हैं, कुछ इस तरीके से कलर ओएस वाला थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। इसकी डायलर स्क्रीन और आपको ऑक्सीजन ओएस की डायलर स्क्रीन सेम देखने को मिल जाती है। पर्सनलाइजेशंस पर आपको ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल देखने को मिल जाते हैं। वीडियो रिंगटोन का भी ऑप्शन है, यहाँ पर वीडियो रिंगटोन भी आप सेटअप कर सकते हैं स्क्रीन के तौर पर। एज लाइटेड आपको तीन तरीके की देखने को मिल जाती हैं। इनकमिंग कॉल पर आपको ये ऑप्शन अवेलेबल करा देती हैं। अगर मैं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की बात करूँ यहाँ पर काम कर रहा है या फिर नहीं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑल डे के लिए आप सेटअप कर सकते हैं। OnePlus 70 पर आपको देखने को मिल जाता है होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन के अंदर ये सारी सेटिंग्स देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा सिंपल मोड देखने को मिल जाता है। अगर आप सिंपल मोड के अंदर एंटर कर जाएंगे तो आपके कुछ इतने सारे एप्लीकेशन कुछ इस सिंपल यूआई के साथ में देखने को मिल जाते हैं, जो कि ऑक्सीजन ओएस पर देखने को नहीं मिलता है। ये फीचर मुझे लगता है कि ऐसा जो स्मार्ट फीचर है वो देना चाहिए, क्योंकि सिंपल लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं और सिंपल चीज़ें हम लोगों को देखने में भी अच्छी लगती हैं। और यहाँ पर वॉइस कंट्रोल के द्वारा भी आप कंट्रोल कर पाएंगे, आपको यहाँ पर वॉइस कंट्रोल के भी ऑप्शन मिल जाते हैं। कॉल आती है तो इनकमिंग टेक्स्ट यहाँ पर अनाउंस होता है, इनकमिंग कॉल अनाउंस होती है, ये एक्स्ट्रा फीचर्स इसमें देखने को मिलते हैं। अगर मैं कॉल करता हूँ तो, और अगर मैं इससे एग्जिट करता हूँ
बिल्कुल ही सेम वही चीज आ गई है जैसा कि हम लोगों की पहले थी। स्क्रीन कलर मोड आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलाते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर जो स्क्रीन कलर है वो बिल्कुल ही सही दिए गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने भेदभाव ऑक्सीजन ओएस पर किया, मैंने उसके बारे में भी वीडियो बनाई हुई है, ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगी, वो वीडियो आप देख सकते हैं। स्क्रीन लाइट कम है, आप क्लिक कर देख सकते हैं स्क्रीन पर देखने को मिल रहे हैं, परंतु इसके अंदर डीसी डिमिंग वाला ऑप्शन अलग नाम से देखने को मिल जाता है। इसमें लो लाइट ऑप्शन ऑन करने पर आपको फिल्टर देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो ये ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा खास था हम लोगों के लिए, जो कि अलविदा कर दिया है वन प्लस ने, 11 से हटा दिया था। तो मुझे लगता है ये ऑप्शन उन्हें देना चाहिए। अगर मैं एडवांस सेटिंग पर टैप करता हूँ तो ये ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। इस तरीके के जो रिडन ऑप्शन है वो जरूर ऑक्सीजन ओएस पर इन्हें ऐड करनी चाहिए। पासवर्ड एंड सिक्योरिटी कुछ इस तरीके की सेम देखने को मिल जाती है। परमिशन एंड सिक्योरिटी भी आपको सेम देखने को मिलती है, लगभग थोड़ी यूआई इसमें चेंज है। यहाँ पर क्लिपबोर्ड एक्सेस भी दिया गया है, यहाँ पर अलर्ट इसका आप इनेबल कर सकते हैं। ये वहाँ पर दिया तो गया है परंतु कुछ इस तरीके से नहीं दिया गया है ऑक्सीजन ओएस पर। सेफ्टी एंड इमरजेंसी पर टैप करेंगे तो आप कुछ इस तरीके से ऑप्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। बैटरी पर आप टैप करेंगे तो कुछ इस तरीके से बैटरी यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। इसमें आपको हाई परफॉर्मेंस मोड ऑप्टिमाइज बैटरी यूजेस देखने को मिल जाता है, कुछ इस तरीके के ऑप्शन अवेलेबल हैं। ऐप्स पर टैप करेंगे तो आपको ये सारे चीज़ें देखने को जाती हैं। ऐप यूज टाइम आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, साथ में ऐप यूज टाइम की आप लिमिट भी सेट कर सकते हैं। ये ऑप्शन जो है वो मुझे लगता है कि एप्पल से इन्होंने कॉपी किया है, क्योंकि एप्पल ऐसा ऑप्शन अवेलेबल कराता था अपने डिवाइस के लिए। तो आप देख सकते हैं कुछ उसी तरीके का ऑप्शन आप यहाँ पर लिमिट लगा सकते हैं एप्लीकेशन पर, रेस्ट्रिकेट पीरियड कर सकते हैं आप इसको, और फोकस मोड आपको इसी के अंदर देखने को मिलता है कुछ इनका खास। रिकवर अनइंस्टॉल सिस्टम ऐप, जो एप्लीकेशन आपने अनइंस्टॉल कर दिए हैं उन्हें आप वापस पाना चाहते हैं तो यहाँ से वो वापस पा सकते हैं। साथ में एसोसिएटेड लॉन्च नाम का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इसके बारे में मुझे फिलहाल में नहीं पता है। स्पेशल फीचर्स के अंदर आपको ये यूआई बिल्कुल ही डिफरेंट है, जो कि ऑक्सीजन ओएस पर देखने को नहीं मिलती है। इन्होंने ऑक्सीजन ओएस को बिल्कुल ही कचरा सा कर दिया है, जिस तरीके से नहीं करना चाहिए था। यहाँ पर आपको बटन फ्री मोड देखने को मिल जाता है, जो क्विक लॉन्च है वो हमारा ऑक्सीजन ओएस से इन्होंने अपने कलर ओएस पर डाल लिया है। स्मार्ट साइड बार आप देख सकते हैं ये देखने को मिला है, जो कि ऑक्सीजन ओएस 12 पर है, और यही फीचर्स ये लॉन्च करने वाले हैं ऑक्सीजन ओएस 13 पर, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये हमें कितना ज़्यादा अच्छे एडवांटेज दे रहे हैं आपको इन चीज़ों से ही पता लग सकता है। किड स्पेस नाम का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, अगर आप बच्चे को फ़ोन दे रहे हैं तो आप वो ये एप्लीकेशन इनेबल कर दीजिए, और वो एप्लीकेशन आप इनेबल करने के बाद उसे फ़ोन दे देंगे तो इसका वही एप्लीकेशन ऑन हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ये यहाँ पर एक खास फीचर देखने को मिल जाता है इसके अंदर, और गेस्चर एंड मोशन आप यहाँ से निकाल सकते हैं। गेस्चर एंड मोशन के अंदर ये सारे ऑप्शंस आपको अवेलेबल देखने को जाते हैं, जो कि ऑक्सीजन ओएस से इन्होंने लिए हैं। साथ में ये थ्री फिंगर मोड का ऑप्शन जो है एंड्रॉयड 12 से आया है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन यहाँ से आपको देखने को मिल जाता है, ये यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खास बात है। साथ में यहाँ पर लैंग्वेज और सिस्टम सेटिंग्स के अंदर ये सारी एक्सेसिबिलिटी आपको देखने को मिल जाती है। एक्सेसिबिलिटी के अंदर आपको ये ऑप्शंस मिलते हैं, रेड पॉकेट असिस्टेंट, ये एक यहाँ पर खास इनका असिस्टेंट है, ये कुछ खास वर्क करता होगा, मुझे इसके बारे में नहीं पता है। बैकअप एंड मिनरेट यहाँ से आप कर सकते हैं, डेटा बैकअप लेना चाहें तो इन्होंने वही चीज़ यहाँ पर उठाई है जो कि हम लोगों का दिल जला दे, क्योंकि इन्होंने वही फीचर्स यहाँ पर मर्जब किए हैं जो कि ऑक्सीजन ओएस पर इन्होंने हटा दिए हैं। अभी भी इनका हाइड्रोजन ओएस जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अबाउट डिवाइस पर मैं टैप करता हूं तो आपको खास चीज दिखाता हूं, ऑफिशियल वर्जन है ये, जो कि है कलर ओएस 12.1 का। तो ये आपको जल्द ही ऑक्सीजन ओएस पर भी देखने को मिलेगा, परंतु इसमें बहुत सारी चीज़ें मिसिंग होने वाली हैं। एंड्रॉयड 12 आपको इसमें देखने को मिल जाता है, 5 जुलाई का आपको एंड्रॉयड सिक्योरिटी पेज भी देखने को मिल जाता है। मैंने ये बात सोचा कि आप लोगों से थोड़ी सी हिदायत रखूँ, तो इसे अब अगर आप अभी के लिए यूज करना चाहते हैं तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, वहां से इसे आप डाउनलोड करके इंस्टॉलेशन कर सकते हैं।
साथ में उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी और इसमें और भी आप चीज़ें अगर जानना चाहते हैं तो उसके बारे में आप कमेंट करिए, मैं उसके लिए वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा और आपको हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी।